पत्रकारिता में महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापूजी भी कहते हैं, उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के साथ अपने विचार लोगों तक पहुंचाने की और साझा करने की शुरुआत की, और इसके माध्यम से साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की समस्याओं को उजागर भी किया। जब वो भारत आए तो यहाँ आकर उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे प्रकाशन में अपने विचार भी साझे किए, और इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में जनमत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लोगों को जोड़ा भी। संक्षेप में कहा जाए तो इन समाचार पत्रों ने एक बड़े परिवर्तन के साधन के रूप में काम किया। इससे पत्रकारिता की राष्ट्र निर्माण में भूमिका सिद्ध होती है। जहां एक और राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका सिद्ध होने की बात मैंने महात्मा गांधी जी का उदाहरण देकर किया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समाचार पत्र तो लिया लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए, चाहे नेशनल हेरल्ड है, ऐसे कई और उदाहरण आप सबके सामने होंगे। शायद वो महात्मा गांधी जी के उस विचार को भूल गए कि पत्रकारिता सेवा के लिए और सही समय पर समाचार जन जन तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अनदर लेसन व्हाट वी कुड लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नलिज्म आई लुक एट महात्मा गांधी हु शेयर्ड हिज ओपिनियन व्यूज इन मेनी न्यूज पेपर्स। He knew the importance of communicating in the local language and the regional languages. He addressed the social and economic issues in Gujarati and made it easier for the natives to read and empowered them. The significance of the regional language newspapers can't be and should not be overlooked. Newspapers like Sambad provide information that is tailored to the specific needs and interest of the people. World is becoming increasingly interconnected and Sambad is acting as a bridge between the local community and the broader world. Aaj ke is avsar par mujhe ek aur naam yaad aata hai, yug parvartak sahityakar Bharatendu Harishchandra ji ka. Ve kavi lekhak hone ke sath sath ek mahan patrakar bhi the. अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने भारतीय पत्रकारिता और साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। आज से 100 वर्ष पहले उन्होंने निज भाषा में लिखने और पढ़ने पर बल दिया था और लिखा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिए को सूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूं भाषा माही प्रचार। ये उस महान पत्रकार के कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने पढ़कर बताई। और अपनी विविधता से के लिए प्रसिद्ध भारत, जहां पर हजारों बोलियां बोली जाती हैं, सैकड़ों भाषाओं का उपयोग किया जाता है, मैं तो यही कहूंगा, हमारे राष्ट्र में अगर आपको देश के कोने कोने तक पहुंचना है तो स्थानीय भाषाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार स्थानीय भाषाओं को बहुत बल दिया और यहाँ तक कि विदेशों में जाकर हिंदी में भी अपने भाषण देकर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने अपनी बात रखी। तो वहीं पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा देने का अगर कदम किसी ने उठाया है, तो 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसमें स्थानीय भाषाओं को बल दिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को धरातल पर सफल बनाने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं, हमारे यहाँ के बड़े नेता और बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मे ही दी है। मित्रों, भारत सरकार से जुड़े निर्णय हो या अपडेट्स हो, को देश के कोने कोने तक लैंग्वेज बैरियर ना हो और बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के पहुंचाने के लिए
हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर अधिक से अधिक लैंग्वेजेस में अलग से अलग मंत्रालयों के, सभी मंत्रालयों के प्रेस नोट्स हम वहाँ पर जारी कर सकें। हमारा प्रयास होता है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद शॉर्ट वीडियोज भी उनके साथ शेयर कर सकें, और हमने जो ऐप बनाई है उसमें भी अधिक से जानकारी दें, ताकि कोई भी हमारा पत्रकार मित्र या कोई समाचार पत्र के एडिटर से लेकर कर्मचारी दिल्ली में ले गए निर्णयों की भी जानकारी उनको जन जन तक पहुंचाई जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम प्रयास करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के कि वो जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचे। ये एक सुखद संयोग है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित IIMC अगर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में, अन्य भाषा में या मैं कहूँ स्थानीय भाषा में पत्रकारिता में पढ़ाई की शुरुआत अगर कहीं पे की, तो यहीं पर उड़ीसा में उड़िया भाषा में उसकी शुरुआत की गई थी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।